हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे संस्कृत में थोड़ा आगे तक। देखिए, उससे पहले हमने प्रत्याहार पढ़ लिया था, प्रत्याहार के एप्लीकेशंस देख ली थी, हमने पढ़ लिया था किस तरीके से आप महेश्वर सूत्र बनाएंगे। ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। हमने आपको बता दिया था कि महेश्वर सूत्र के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने क्या कहते हैं इसके अंदर व्यंजन है। और मैंने आपको बताया था वर्ण इक्वल टू स्वर प्लस व्यंजन। स्वर 9 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं, कुल मिलाकर आपके जो वर्ण होते हैं टोटल आपके 42 निकल करके आई थी। ये सारी बात हुई थी। तो जिससे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको बताना चाहूंगा अपनी बींग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसमें हमारी क्लासेस चल रही है, पेड क्लासेस चल रही है, प्रीमियम क्लासेस चल रही है, जिसमें नोट्स वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेबल आपको अवेलेबल कराया जाएगा। कुछ भी आपको बाहर से खरीदने की लेने की किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीएस सिलेबस। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकती हैं, हमारी क्लासेस में आ सकती हैं, हमारे डेमो लेक्चर्स में आ सकती हैं, जो कि डेली जूम पर लाइव चल रहे हैं। डेली उसकी रिकॉर्डिंग्स ऐप पर अपलोडेड होती हैं, तो ऐप पर रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, आप जितनी बार चाहें जब चाहे तब देख सकती हैं। अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे फिर भी आप हमारी क्लासेस को जब चाहें तब देख सकते हैं। अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हम कॉलेज से लेट आते हैं या फिर हम अटेंड नहीं कर सकते उस टाइम पर, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज का लेक्चर काफी ध्यान से समझेंगे, बहुत कंसेप्चुअल आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे सूत्रों के बारे में। ठीक है, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और इनके अंदर इनका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले प्रत्याहार सूत्र बना लेते हैं, किस तरीके से प्रत्याहार बनाएंगे देख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्याहार मैंने आपको पहले उस दिन बता दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था ये आपका महेश्वर सूत्र आपके सामने दे रखा है, ये जो आपका महेश्वर सूत्र है 14 आपके महेश्वर सूत्र बताए गए हैं 14। तो मैंने बताया था जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने जो डमरू बजाया था दो बार बजाया था, 9 + 5 9 + 5, जिस वजह से महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो थे आ से लेके चा तक, आ ई ओ रे रे ए ओ आई औ, यहां से लेके चा तक आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 9 स्वर बताए गए हैं। तो स्वर के लिए क्या प्रत्यय लिखा था, अच प्रत्याहार। क्या लिखा था, अच प्रत्याहार। मैंने स्वर के लिए आपको बताया था कि स्वर के लिए आप अच प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे, याद कर लेंगे सीधे स्वर के लिए क्या, अच प्रत्याहार। जबकि जबकि व्यंजन के लिए बताया था हा से लेके ला तक, हा से लेके ला तक हल। ठीक है, तो यहां से लेके हा से लेके इसके बीच में जितने भी होंगे सब कुछ आपको किसके अंदर आ जाएंगे, व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। तो अच क्या होता है, मैंने बताया था अच क्या होता है, स्वर होता है। और जो हल क्या होता है, हल किसके लिए होता है, व्यंजन के लिए। ठीक है, व्यंजन के लिए। तो लिख देते हैं नीचे ये सारी बातें, लिख भी रहा है। स्वर के लिए क्या यूज हुआ, अच यूज हुआ है। और व्यंजन के लिए यड़ यूज, व्यंजन के लिए क्या यूज हुआ है टोटल, तो ध्यान रखेंगे हल। क्या यूज हुआ है, हल। ठीक है, हल हल यूज हुआ है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए चीजों को इस तरीके से हमको सिंपल रखना है, जिससे हमें समझने में कठिनाई हो ना हो। तो देखिए ये सारी बात बता दी थी मैंने आपको, बताया था कि जिनके नीचे भी सर्कल लग रहा है, जिनके ऊपर सर्कल लग रहा है, या फिर जो लास्ट वाले हैं जिनके नीचे क्या कहते हैं हलंत लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको महेश्वर सूत्र में या फिर प्रत्याहार बनाते टाइम इनको नहीं लिखना। प्रत्याहार बनाते टाइम आपको इनकी इत संज्ञा कर देंगे, इत संज्ञा सूत्र लगाना है। तो मैंने बताया था ना सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र यही है कि हमको इत संज्ञा सूत्र यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इत संज्ञा सूत्र की बात करी गई है, क्या सूत्र कह रहा है, नीचे लिख भी रहा है इत संज्ञा। मतलब बेसिकली देखो, आपको कोई भी यहाँ पर सूत्र याद नहीं करना, लेकिन हाँ समझ लेना इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को। इसका मतलब सिंपल ही होता है कि लोप कर देना, गायब कर देना, कि जब भी आप प्रत्याहार बनाएंगे तो आप लास्ट वाले जिसके अंदर सर्कल हो रहा है, गोला हो रहा है, उसको नहीं लिखेंगे। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था अच, तो आ तो स्टार्ट लिखा, आ तो आपने लिखा यहाँ पर, लेकिन चा आगे जाकर के आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपने खा तो लिखा, लेकिन आगे जाकर के यहाँ पर या नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर को, आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर कितने बताए थे मैंने, 9 स्वर कितने बताए थे मैंने, 9 स्वर आपके सामने बताए थे। लिखते हैं सब बातों को जिससे आपको बातें और ज्यादा क्लियर हो। स्वर क्या होते हैं, 9 होते हैं, 9। अब देखिए जो स्वर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है, जो बेसिक्स हैं, जो सिर्फ एक स्वर से ही बने, मतलब जो मूल हैं, जो किसी से बने नहीं हुए, स्वतंत्र रूप से उपस्थित है। जबकि जो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ये दो एक या दो एक से अधिक स्वर से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास कुछ बेसिक आइटम्स हैं, बेसिक आइटम्स लाइक आपके पास व्हीट है, गेहूं का आटा है, सॉल्ट है, ऑयल है, शुगर है। ये क्या है, बेसिक चीज है आपकी किचन में। अगर आपके पास ये 4 चीजें होंगी तो आप इससे पराठा, रोटी, हलवा, चीला, पकौड़े कुछ भी बना सकते हैं। ये दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट, यानी ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके पास ये होंगे तो इससे आप मेनी मेनी मोर देन 4 प्रिपरेशन रेडी कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर कह रहा है कि स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर इज जस्ट लाइक द बेसिक आइटम्स लाइक सॉल्ट, शुगर एंड एंड ऑयल और वीट। जबकि ये संयुक्त स्वर होते हैं, ये क्या प्रॉपर्ड या प्रेपर्ड आइटम्स हैं जो इनकी मदद से बनाए जाएंगे। तो वही कंसेप्ट यहां पर है कि जो आपके मूल स्वर हैं,
जबकि मूल स्वर हैं, इनके अंदर एक ही स्वर होता है, ये बेसिक स्वर हैं, इनको किसी से बनाया नहीं जा सकता, ना इनको फर्दर तोड़ा जा सकता, ना इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता। जबकि जो संयुक्त स्वर है उनको आगे तोड़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक स्वर से मिलकर बने हुए हैं। संयुक्त स्वर भी स्वर है क्योंकि ये दो से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा संयुक्त स्वर, मतलब जो मिलकर बनाए गए हैं, जो कॉम्बिनेशन में आए हैं। लाइक मैंने बोला, अगर आपको पराठा बनाना है तो आपको व्हीट भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए और ऑयल भी चाहिए, या आपको तीनों आइटम चाहिए तब जाकर के आप पराठा बना पाएंगे। नमक भी डालना पड़ेगा आपको आटे में, और तेल भी चाहिए रहेगा सेकने के लिए। इस तरीके से कह रहा है संयुक्त स्वर मतलब जो क्या कहते हैं, एक से ज्यादा स्वर से मिलकर बने हो। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखने, मूल स्वर पांच होते हैं, आ ई उ री और लरी, ठीक है। जबकि संयुक्त स्वर कौन कौन से, ए आओ ए आओ, ठीक है। तो ए ओ आए आओ, ठीक है, ए ओ आए आओ, ठीक है, ये इनका प्रोनाउंसिएशन है। अब व्यंजन की बात करेंगे, तो मैंने स्वर को कितने भाग में डिवाइड करा, दो पार्ट में, तो बता लिख देता हूं जहां जगह मिलती है। स्वर को टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, नंबर वन एंड नंबर टू, डेट इज द मूल, डेट इज द संयुक्त, मूल एंड संयुक्त। मूल कितने होते हैं आपको पता ही है, फाइव फाइव, संयुक्त कितने, फोर, टोटल स्वर कितने हो गए, नाइन। बस इतना याद करना है, आगे बढ़ेंगे। आगे है व्यंजन। सर व्यंजन कितने होते हैं, तो देखिए व्यंजन में आपको पता है 33 होते हैं। 33 सर, 33 किस तरीके से होते हैं, तो 33 होते हैं आपके तीन ग्रुप में। जो व्यंजन होता है, क्लासिफिकेशन करें तो उसको क्लासिफाई तीन वेज में करते हैं, तीन ग्रुप में करते हैं। नंबर वन अंतस्ट, नंबर टू स्पर्श, नंबर थ्री ऊष्म। अंतस्ट क्या होता है, जब बोलने पर उच्चारण करने पर, जिन वर्णों के उच्चारण करने पर हमारी प्राणवायु अंदर ही रह जाए तो उनको बोलते हैं अंतस्ट वर्ण, जो हमारे अंत में स्थित रह जा रही है प्राणवायु। जब हम बोलते हैं, जनरली आप बोलते हैं तो क्या होता है, आपकी श्वास बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको आप बोले, आपकी श्वास जो क्या कहते हैं वायु है, प्राणवायु बाहर की तरफ ना निकले, वो आपके कंठ के अंदर ही रह जाए, डेट इज द स्पर्श वर्ण, ठीक है, डेट इज द स्पर्श वर्ण। अब है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, ऊष्म वर्ण उन वर्णों को बोला गया है जिनके उच्चारण पर, बोलने पर आपके शरीर की जो ऊष्मा है बाहर निकल कर आए। एक होते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण मतलब जिनको बोलने पर आपके उच्चारण स्थानों का आपस में, आपकी जो जिह्वा है उसका उच्चारण स्थान से स्पर्श हो। जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब आपकी टंग होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है उच्चारण के लिए, बोलने के लिए। अगर आपके पास आपकी टंग नहीं होगी, जीवा नहीं होगी, तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास आपकी जिब्बा हो जो आपकी बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में सहायता करे। तो क्या ध्यान रखना है आपको, किस तरह हमारे पास हमारी जिब्बा होनी चाहिए जो स्पर्श कराएगी। अब देखिए काफी सारे उच्चारण स्थान बताए गए, यहाँ से शब्दों की उत्पत्ति होती है। कुछ होते हैं दंत, यानी आपके दांतों की मदद से, आपके टीथ की मदद से, यानी जब आपकी जिब्बा आपके टीथ को, आपके दांतों को टच करेगी तब जाकर के कुछ वर्णों की उत्पत्ति होती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जबकि टंग जो है वो आपके पैलेट को, अपर पैलेट को टच करेगी, तब जाके उत्पत्ति होगी। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जब आपकी जिब्बा, आपकी टंग आपके होठों को, ओष्ठ को, लिप्स को टच करेगी, तब जाकर के उनकी उत्पत्ति होगी। यानी काफी सारे वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ की उत्पत्ति जिब्बा जब टच को करेगी, पैलेट को टच करेगी तब उत्पत्ति होती है। कुछ की उत्पत्ति तब होती है जब आपकी जिब्बा आपके दांतों को, टीथ को टच करती है। यानी इस तरीके से उच्चारण स्थान बताए गए जो कि आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा काम है कि इनके डेफिनेशन समझ लेना। अंतस्थ क्या है, ध्यान रखेंगे जिनके अंदर प्राणवायु अंदर ही रह जाए। स्पर्श क्या है, जहां पर हमारी जिब्बा को उच्चारण स्थानों का टच करना पड़े, स्पर्श करना पड़े। उसमें क्या है, ऊष्मण कौन से होते हैं जिनके उच्चारण पर आपके शरीर की ऊष्मा आपके मुख द्वारा बाहर निकले। तो ध्यान रखेंगे जो अंतस्थ वर्ण होते हैं कितने होते हैं, चार होते हैं, चार, या वा रा ला, या वा रा ला। तो क्या ट्रिक बनी इसके लिए, रड़, क्या बनी, यड़, यड़, चार हो गए, या वा रा ला। अब स्पर्श वर्ण की बात करें तो इसके अंदर 25 आते हैं, 25। 25 किस तरीके से आते हैं, तो इसके अंदर पांच ग्रुप होते हैं, आपके नीचे के बताऊंगा पांच ग्रुप, फिलहाल ध्यान रखेंगे 25 हैं। और ऊष्म के लिए आते हैं चार, सा सा साहा, सा सा साहा। आइए नीचे देखते हैं, नीचे इनका क्लासिफिकेशन और अच्छे से दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर स्वर क्या कह रहा है, स्वर कौन से होते हैं, देखिए स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले स्वर और व्यंजन में डिफरेंस देखते हैं। देखिए स्वर उनको बोला जाता है जिनके उच्चारण में या जिनके प्रोनाउंसिएशन में आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप इनका प्रोनाउंसिएशन इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इनके उच्चारण के लिए, इनको बोलने के लिए आपको किसी और वर्ण की सहायता नहीं चाहिए। जबकि व्यंजन के उच्चारण के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर को मिलाए, बिना स्वर की मदद से आप व्यंजन का उच्चारण, व्यंजन को इंटरोगेट, व्यंजन को प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते अगर आपके अंदर स्वर नहीं है। यानी जो स्वर होते हैं वो बिना व्यंजन के बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के बाहर नहीं आ सकते। यानी ऑल स्वर इज इंडिपेंडेंट बट द ऑल व्यंजन आर डिपेंडेंट ऑन स्वर। यानी सारे व्यंजन स्वर पर डिपेंडेंट है, निर्धारित हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं, जबकि स्वर ऐसे नहीं है, स्वर इंडिपेंडेंटली बाहर आ सकते हैं।
तो स्वर बताए टोटल 9 होते हैं, दो ग्रुप में है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल 5 है, संयुक्त 4 है। मूल मतलब जो एक से ही बने हो, जिनको आगे मिलकर के क्या बनाना है, संयुक्त स्वर बनाना है। यानी जब मूल स्वर बनते हैं तब जाकर के, जब मूल स्वर मिलते हैं आपस में तब जाके संयुक्त स्वर की उत्पत्ति होती है। तो ये मूल स्वर बता दिए आई ऊ रे ले, और ये संयुक्त है ए ओ आए औ। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं जिनको बोलने के लिए आपको क्या कहते हैं एक तरीके से औरों की जरूरत पड़े, स्वर की आवश्यकता पड़े, तो स्पर्श बता दिए। जिनके उच्चारण के लिए क्या करना पड़े आपको, विभिन्न विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता हो। 25 होते हैं, 5 वर्ग बताए, कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, टू वर्ग और पू वर्ग। ये वर्ग हमारी आपको पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर से मिल जाएंगे। फिर अंतस्थ बताए, जिसके अंदर क्या हो आपकी जो ऊष्मा है वो अंदर ही रह जाए, जिनके उच्चारण जो की ऊष्मा है अंदर ही रह जाए। ठीक है, ऊष्मा अंदर ही रह जाए। अब बात करें, सॉरी ऊष्मा बोल लीजिए, प्राणवायु लीजिए, बात एक ही है, प्राणवायु और ऊष्मा बोल लीजिए, जो जिसके अंदर आपकी प्राणवायु अंदर ही रह जाए। तो 4 बताए थे, या वा रा ला, 4। ठीक है, ऊष्मा जिसके अंदर आपकी जो ऊष्मा है बाहर निकल करके आए, जिसमें आपकी जो ऊष्मा है बाहर निकल के आए, तो आप सीधे भी याद कर सकते हैं अंतर जिसमें आपकी ऊष्मा अंदर रह जाए, ऊष्म जिसकी आपकी ऊष्मा बाहर निकल के आए। अब ऊष्मा से ध्यान रख लेंगे, यहाँ पर ऊष्मा प्राणवायु लिया गया अंतस्थ के अंदर। ये भी 4 होते हैं ऊष्म, कौन कौन से मैंने बताए थे आपको, सा सा। ठीक है, सा सा। तो देखिए इस तरीके से हमने देख लिया, यहाँ तक 42 होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन किनको बोला गया है, जो एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा व्यंजन से मिलकर बने हो, जो एक से ज्यादा व्यंजन से मिलकर बने हो। जैसे छा, जो क्षत्रिय में छा आता है, ये का और सा से मिलकर बना है, तरा ता और रा से मिलकर बना है, और जो आपका ज्ञा है, जा और यहाँ से मिलकर बना है, और जो आपका शरा है, ये सा और रा से मिलकर बना है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अपन अनुस्वर, विसर्ग, अनुविसर्ग ये सब पढ़ेंगे, ये सब समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं, बहुत सारे बेसिक चल रहे हैं, ये बेसिक जनरली कोई नहीं बताता, सिर्फ आपको हमारे चैनल देखने के मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको नोट्स मिले, इससे बेस्ट नोट्स मिले और इससे बेस्ट कंटेंट और इजी कंटेंट मिले, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारा बींग डॉक्टर ऐप। टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लासेस में। बाकी आप लोग हमारे ऐप पर आइए, फ्री कंटेंट देखिए, पसंद आता तो रजिस्टर करिए, नहीं तो हमारे यूट्यूब पर फ्री कंटेंट जो आ रहा है आप उसको देख सकते हैं। काफी फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स हमको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि बच्चों को चाहिए एक पर्सनल गाइडेंस कि डेली एक क्लास हो प्रॉपर, उस क्लास के बेसिक अकॉर्डिंग पढ़ें, एक नोट्स हो, और उस सबको मैनेज करने की काफी खर्चा लगता है, टीम का, ऐप का, जूम का, तो जिसकी वजह से एक मिनिमम चार्ज रखे गए हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस रखे गए हैं, आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, आप निराश नहीं होंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।